देखिए रिपोर्ट आपने देखा और जाना कि किस तरीके से आदमखोर का दहशत जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ वन विभाग की भी तैयारी है और यही वजह हम कह रहे हैं कि आदमखोरों का अंत अब करीब है, क्योंकि देखिए आदमखोरों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन और भी ज्यादा तेज कर दिया गया है। 35 से ज्यादा गाँव में 24 घंटे ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा महसी तहसील के और राही गाँव में ऑपरेटिंग कैंप बना लिया गया है। वीडियो को थर्मल ड्रोन से डिटेक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से वीडियो को डिटेक्ट करने में ना काफी दिक्कत भी आ रही है। वीडियो को कैद करने के लिए जाल और पिंजरा भी लगा दिया गया, यानी कि हर कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन आदमखोरों को पकड़ा जाए। अब तक 4 भेड़िए पकड़े गए हैं, जबकि 2 भेड़ियों की तलाश अभी भी जारी है और यही वजह है कि ग्रामीण डरे हुए हैं। भेड़ियों के लिए 5 जिलों की वन विभाग की टीम अब तैनात कर दी गई है। रात रात भर वन विभाग और पुलिस गश्त कर रही है, कोशिश की जा रही है कि भेड़ियों को जल्द से जल्द जाल में फंसाया जाए। ग्रामीण और टोलियों में बटकर जो है पूरे गांव की पहरेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। लाउडस्पीकर के जरिए ग्रामीणों को सचेत किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि अभी घर से बाहर ना निकलें। खेतों के किनारे वन विभाग ने जाल और पिंजरा लगा दिया है। आदमखोरों के आतंक से गांव-गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। भेड़ियों ने अब तक 7 बच्चों समेत 9 लोगों को अपना निवाला बनाया है और एक डर की वजह यही है, सबसे बड़ी वजह डर की यही मानी जा रही है। भेड़ियों के हमले में अब तक 45 से ज्यादा लोग घायल भी हो चुके हैं। इसके अलावा आदमखोरों के आतंक से 35 गाँव में इस वक्त दहशत जो है वो देखने को मिल रही है, लेकिन वन विभाग की टीम किस तरीके से मुस्तैद है ये हमने आपको ग्राफिक्स जरिए बताया। बिल्कुल, तो देखिए पुनीता ने ग्राफिक्स के जरिए आपको बताया कि भेड़ियों का किस तरीके से आतंक है सीतापुर में, बहराइच में। लेकिन अगर बात करें लखीमपुर खीरी की, बहराइच और सीतापुर में भेड़ियों का आतंक है, लेकिन लखीमपुर खीरी में आदमखोर भाग घूम रहा है। उसने किसान पर हमला किया, किसान की मौत हो गई, लेकिन तब से वन विभाग का जो पूरा अमला है वो बाघ को पकड़ने के लिए जुट गया है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी बाघ हत्ते नहीं चढ़ा है। लेकिन वहां पर किस तरीके की दहशत का माहौल है इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। में इन दिनों आदमखोरों के कहर से हाहाकार मचा है। एक तरफ बहराई आदमखोर भेड़ियों की दहशत है, तो वहीं दूसरी तरफ लखीमपुर खीरी में आदमखोर बाघ ने कोहराम मचाया हुआ है। आदमखोर बाघ के मुंह में इंसानी खून लगने के चलते लोगों की रातों की नींद खराब है। हालांकि आदमखोर बाघ की दहशत को देखते हुए वन विभाग ने लखीमपुर खीरी के इमलिया गांव के आसपास बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरों की संख्या बढ़ा दी है, लेकिन कैमरे में कैद होने के बावजूद आदमखोर बाघ अभी तक वन विभाग की पकड़ से बाहर है, जिसके चलते लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। लखीमपुर खीरी जिले में बाघ का आतंक है और इस बाघ के आतंक से लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए बाकायदा 4 पिंजरे लगाए गए हैं। एक पिंजरा हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर इस पिंजरे को लगाया गया है ताकि इस पिंजरे में उसे कैद किया जा सके। बाकायदा यहाँ पर जो बकरी है वो बांधी गई है, जो इस पिंजरे के अंदर बांधी जाएगी और इसका लालच दे करके उसके बाद बाघ को इस पिंजरे में कैद किया जाएगा। जैसे ही बाघ बकरी का लालच दे करके अंदर जाएगा, अंदर तुरंत कैद हो जाएगा। वन विभाग भले ही पूरी शिद्दत से आदमखोर बन चुके बाघ को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लोगों के बीच वन विभाग को लेकर गुस्सा है। लोगों की शिकायत है कि लखीमपुर के कई गांवों में आदमखोर बाघ पिछले 1.5 महीने से देखा जा रहा है, जिसकी जानकारी गांव वालों ने वन विभाग के अधिकारियों को दी थी, लेकिन वन विभाग तब नींद से नहीं जागा जब तक आदमखोर बाघ ने पिछले 1.5 महीनों में 3 लोगों की जान नहीं ले ली। वहीं आपको बता दें कि आदमखोर बाघ के दहशत को देखते हुए अभी बीते 4 रोज पहले ही यूपी के वन मंत्री AK सक्सेना भी लखीमपुर का दौरा कर चुके हैं और उनके निर्देश के बाद अब वन विभाग पूरी तरह चौकस नजर आ रहा है। वन विभाग की माने तो आदमखोर बाघ को पकड़ने के लिए इस वक्त कई कदम उठाए जा रहे हैं। ड्रोन कैमरे से बाघ की निगरानी की जा रही है। बाघ के सटीक लोकेशन की जानकारी के लिए 25 कैमरे लगाए गए हैं। बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरे की संख्या बढ़ा दी गई है। बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग ने कई टीमें बनाई है। वहीं लखीमपुर खीरी रेंज के DFO के मुताबिक
शुक्रवार शाम को भी आदमखोर बाघ पिंजड़े के पास लगाए गए कैमरे में दिखा, लेकिन वो पिंजड़े के बगल से गुजरता हुआ अचानक गायब हो गया। हालांकि वन विभाग का दावा है कि बहुत जल्द वन कर्मियों की टीम आदमखोर बाघ को पकड़ लेगी, लेकिन लखीमपुर के लोगों को बाघ की दहशत से कब छुटकारा मिलेगा ये कह पाना मुश्किल है। यहाँ 24 घंटे निगरानी की जा रही है और लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि गन्ने में कम से कम इस टाइम में, खासकर इस तरफ जहाँ पे टाइगर सरायन नदी की तरफ ना जाएं और खुले में शौच बिल्कुल ना करें। वहीं आदमखोर बाघ के हमले से बेमौत मारे गए 45 साल के किसान अमरीश कुमार के घर वालों का बुरा हाल है, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत ये कि अगर इसी तरह बाघ गांव में घूमता रहा तो लोगों के सामने दो वक्त की रोटी का संकट हो जाएगा, क्योंकि फिलहाल आदमखोर बाघ की दहशत ऐसी है कि लखीमपुर खीरी के कई गांव के लोग दिन हो या रात अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। जिस दिन पापा का देहांत हुआ 2:03 तक मेरा फकिंग राउंड था जो मुझे देना था, तो वो तो मैं नहीं दे पाया क्योंकि हालात नहीं थे ऐसे। तो मैंने फिर काफ़ी वहाँ माननीय विधायक जी भी तो वहीं आए थे, तो मैंने कहा था घर पे कोई है नहीं कमाने वाला, पापा थे वो तो चले गए, तो मुझे भी एक कुछ गवर्नमेंट जॉब वगैरह दी जाए जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूँ, क्योंकि और कोई है नहीं घर पे। तो वो बोले थे कि हम मंत्री जी को लेके आएंगे आपके घर पे, कोई मुलाकात करने नहीं आया मुझसे अभी तक। बहरहाल आदमखोर बाघ को कैद करने के लिए वन विभाग कामला बड़े बड़े दावे कर रहा है, एक हद तक उनकी तैयारी भी ठीक ठाक दिखी, लेकिन दिक्कत ये है कि एक दिन में अमूमन 10 किलोमीटर तक के इलाकों में घूमने वाला बाघ लगातार लोकेशन बदल रहा है। उस पर मुसीबत ये कि लखीमपुर के आसपास के क्षेत्र गन्ने के खेत से भरे हुए हैं, जो बाघ के छिपने के लिए मुफीद है। ऐसे में दावों से इतर सच्चाई यही है कि आदमखोर बाघ को काबू करना वन विभाग के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आदमखोर बाघ का आतंक किस तरीके से लगातार वहां पर फैला हुआ है ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। लखीमपुर खीरी में बाघ का आतंक है और आपको बता दें किस तरीके से वहां पर लोग इस वक्त दहशत में जीने को मजबूर हैं, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कई गांव ऐसे हैं जहां पर बाघ का जो खौफ है वो लगातार वहां पर पसरा हुआ है। इसके अलावा ग्रामीण घरों में कैद रहने के लिए मजबूर है, ग्रामीण घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। बाघ 3 लोगों को अभी तक अपना शिकार बना चुका है, जिसके बाद वन विभाग की जो टीम है वो लगातार जुट गई है। ये निर्देश दिए गए हैं बाकायदा कि जल्द से जल्द जो एक्शन है उसको शुरू किया जा सके। इसके अलावा आपको बता दें दरअसल जो लोग हैं वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान होना चाहिए, क्योंकि ड्रोन कैमरों से भी बाघ की निगरानी रखी जा रही है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी आपको बता दें अभी तक जो बाघ है इसे निगरानी रखी जा रही है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो बाघ का दहशत है उसे कम किया जाए। और यही वजह है कि वन विभाग की जो टीम है वो लगातार ड्रोन कैमरे के जरिए या फिर जाल बिछाने की कोशिश की जा रही है। ट्रेसिंग के लिए 25 कैमरे लगाए गए हैं, बाघ को पकड़ने में कई टीम जो है वो लगी हुई है। इसके अलावा देखिए 8 बाघों की तलाश में वन विभाग की जो टीम है वो अभी भी जुटी हुई नजर आ रही है। लगातार देखिए आदमखोर का टेरर किस तरीके से देखने को मिल रहा है वो लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखना यही होगा कि वन विभाग की टीम को आखिर सफलता कब तक मिलती है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेंगे पाक के उस नामो निशान की जिसे हटाने की तैयारी अब योगी सरकार कर रही है। योगी सरकार देखिए एक ऐसा कदम उठाने जा रही है, अगर ये खबर सुनेंगे तो आप सरकार की तारीफ करते थकेंगे नहीं। बिल्कुल, और आपको बता दें दरअसल योगी सरकार की तरफ से उन संपत्तियों को नीलाम करने का फैसला लिया गया है जो बहुत जरूरी है। जरूरी क्यों है इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब वो कर दिखाया जो शायद किसी ने भी ना सोचा हो। बागपत में सदियों से आजादी की सांस लेती शत्रु संपत्तियां जिसे अब सरकार नीलाम करने जा रही है और इसका खाका भी तैयार हो चुका है, तारीख भी मुकर्रर हो चुकी है 5 सितंबर।
इसे पिछली सरकारों की उदासीनता ही कहेंगे कि शत्रु संपत्ति के मामलों में सरकार हमेशा से ही ढुलमुल रवैया अपनाती रही है, लेकिन हमारे गौरवों को नया जीवनदान देने वाली सरकार ने इस काम को भी करके दिखा दिया। दिलचस्प है कि आखिर ये शत्रु संपत्तियां हैं किसकी और क्यों इस संपत्ति की नीलामी को हम वर्तमान के गौरव से जोड़कर देख रहे हैं। दरअसल यूपी की योगी सरकार ने बागपत में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की पैतृक संपत्ति को नीलाम करने की तैयारी कर ली है। खाका तैयार है और अब बारी है तो बस नीलामी की। पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के भाई डॉक्टर जावेद मुशर्रफ की बागपत के कोताना में करीब 10 बीघा जमीन को शत्रु संपत्ति निदेशालय ने जब्त कर लिया है। अब उस जमीन की नीलामी कराई जाएगी, साथ ही रटौल व टांडा में मौजूद शत्रु संपत्ति का सर्वे करवाया जा रहा है, जिसके बाद सभी को एक साथ नीलाम किया जाएगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति के पिता मुशर्रफुद्दीन और माता बेगम जरीन कोताना गांव की ही रहने वाली थी। कोताना में दोनों की शादी हुई थी। साल 1943 में दिल्ली जाकर ये लोग रहने लगे, जहां परवेज मुशर्रफ और उनके भाई जावेद मुशर्रफ का जन्म हुआ। उनका परिवार साल 1947 के बंटवारे के समय पाकिस्तान में जाकर बस गया, मगर दिल्ली के अलावा उनके परिवार की हवेली व खेती की जमीन कोताना में मौजूद है। अब परवेज मुशर्रफ के इस पुश्तैनी जमीन को नीलाम करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। आपको ये भी बता दें कि शत्रु संपत्ति के मामले में केंद्र सरकार भी लगातार राज्यों की मदद से कई प्रयास कर रही है, ताकि शत्रुओं की संपत्ति को सरकार नीलाम कर खरीदने वाला उस संपत्ति का इस्तेमाल कर सके और ऐसी तमाम निशानों को नस्तनाबूद कर दिया जाए जो दुश्मन मुल्क में बैठे हुए लोगों की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।